गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। उसमें मेनली टू पार्ट्स है मेथड्स है। फर्स्ट है हाई रेजिस्टेंस मेथड और सेकंड है लो रेजिस्टेंस मेथड। इन हाई रेजिस्टेंस मेथड में क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा हाई मेथड रेजिस्टेंस यूज नहीं करते, बिकॉज इन हाई रेजिस्टेंस मेथड में क्या करना है, हमें आर्क रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ाना है। जैसे आर्क रेजिस्टेंस हम उसे बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू ऑफ करंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उस आर्क को हाई रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट वेज है। फर्स्ट है हम उसमें क्या यूज करते हैं, लेंथिंग ऑफ द आर्क, मीन्स जो भी लेंथ ऑफ द आर्क है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। इसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं कि जो लेंथ है दो कॉन्टेक्टर्स हमारे हैं, तो दो कॉन्टेक्टर्स में क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उसमें डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। और जैसे ही उसको डिस्टेंस वहां पे हम बढ़ा देते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो लेंथ ऑफ द आर्क आल्सो वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसका रेजिस्टेंस जो भी है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। बट इन हाई वोल्टेज में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जैसे हम हाई वोल्टेज में इसको डिस्टेंस ज्यादा करेंगे, क्योंकि लो वोल्टेज में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन जब हाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज रहता है तो वहां पे इसको करना इम्पॉसिबल है। सेकंड है स्प्लिटिंग ऑफ आर्क, मीन्स अब जहां पर भी हमारे कॉन्टेक्टर से ओपन और क्लोज हम करते हैं, तो जो भी वहां पे चेंबर प्रेजेंट रहता है, तो उस वहां पे सपोज क्लोज टाइप चेंबर है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कॉन्टेक्टर्स के बीच में वहां पे कुछ प्लेट्स हम लगा सकते हैं। जैसे कि वहां पे आर्क प्रोड्यूस होगी, तो आर्क क्या हो जाएगी, उन प्लेट्स के बीच में जाएगी, और आर्क क्या हो जाएगी, डिफरेंट इसमें डिवाइड हो जाएगी। तो वहां पे हम जो भी आर्क प्रोड्यूस हो रही थी उससे आर्क को हम यहाँ पे स्प्लिट करके उसका रेजिस्टेंस कम कर सकते, ज्यादा कर बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है कूलिंग ऑफ आर्क। इन कूलिंग ऑफ आर्क में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग मीडियम हम वहां पे यूज करके आर्क को कूलिंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे ऑयल है कूलिंग मीडियम, हम यूज करते हैं ऑयल, एयर और गैस, इस टाइप के हम कूलिंग मीडियम यहाँ पे यूज करके वहां पे उसे आर्क को क्वेंचिंग का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है सेकंड मेथड, जिसको लो रेजिस्टेंस मेथड और जीरो करंट मेथड। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एसी सर्किट, बिकॉज इन एसी सर्किट में एसी सर्किट वेवफॉर्म में सपोज हमने शॉर्ट सर्किट करंट की वेवफॉर्म कंसिडर की, तो उसमें क्या होता है कि जो भी वेवफॉर्म शॉर्ट सर्किट करंट है वो क्या हो जाता है कि वन जीरो को हमारे जीरो को आ जाता है, आफ्टर एवरी इंटरवल, हाफ इंटरवल के बाद वो जीरो को टच करता है। बट इन डीसी सप्लाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कम जीरो। डीसी सप्लाई जो भी हमारा प्रेजेंट रहता है वहां पे डीसी सप्लाई में क्या है कि उसको जीरो को लाना इतना इजी नहीं रहता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस मेथड ही वहां पे यूज करती है। बट व्हेन इट कम्स टू जीरो, जब यहाँ पे एसी वेव फॉर्म में करंट क्या हो जाता है, जीरो को आ जाता है, तब हम उसे क्या कर सकते हैं, वहां पे जीरो को जब भी टच करेगी वेव फॉर्म तो फर्स्ट इंटरवल के बाद तभी हम उसको खत्म कर सकते हैं या फिर वैनिश कर सकते हैं। अदरवाइज उसे आगे सपोज वो आगे फिर से आर्क उस जीरो को पोजिशन को खत्म नहीं हुई, तो उसके बाद आगे ने वो क्या करेगी, फिर और एक हाफ इंटरवल वहां से वो करंट पास हो जाएगा, तो उसके बाद ही उसके बाद जब फिर से वो जीरो को आ जाएगा तब हम उसे हम वहां पे खत्म कर सकते हैं। तो ये है आपका लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आर्क वोल्टेज। नहीं, सपोज यहाँ पे एक मैंने डायग्राम निकाली है, वहां पर हम कुछ उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखेंगे। फर्स्ट है सपोज रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अब यहाँ पे जो भी वेवफॉर्म निकाले है उसमें क्या है, ये आपका सिस्टम वोल्टेज है। अब जैसे यहाँ से सिस्टम वोल्टेज पास हो रहा है, तो इन पावर इन इंडक्टिव सपोज हमारे लोड को कौन सा कनेक्टिव रहता है इंडस्ट्री में, इंडक्टिव रहता है, रेजिस्टिव रहता है और कैपेसिटिव। बट सपोज इंडक्टिव लोड में क्या है, जो भी हमारी वेवफॉर्म है वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन, तो करंट क्या रहता है, कभी भी लीडिंग रहता है, और सॉरी करंट कभी भी लैगिंग रहता है और वोल्टेज कभी भी लीडिंग रहता है। तो ये जो वेवफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक सपोज कंटिन्यूस लाइन है, तो इसका मतलब ये आपका सिस्टम वोल्टेज है, मीन्स अप्लाइड वोल्टेज। बट जैसे यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट और ये वेवफॉर्म है जो है वो वेवफॉर्म किस लिए, आपकी
करंट के लिए, तो यहाँ पर जैसे ही आपका शॉर्ट सर्किट करंट हो यहाँ से पास हो जाएगा, तो यहाँ से तो जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ इस पॉइंट से आगे जो भी आपका वोल्टेज रहेगा ये क्या होगा आपके फिर आर वोल्टेज होता है। तो आफ्टर ये आर वोल्टेज जैसे ही आपका इस पॉइंट तक जाता है और करंट आपकी वेवफॉर्म क्या हो जाती है यहाँ पे जीरो। अगर आपने सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो पॉइंट पे मीन्स इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, यहाँ पे आपने आर्क को एक्सटिंग किया नहीं या फिर खत्म नहीं किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी अगेन ये आर्क वोल्टेज करंट की वेवफॉर्म क्या हो जाएगी एक इंटरवल आगे ले सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे जो भी हमारा सिस्टम वोल्टेज से आर्क वोल्टेज वहां से प्रोड्यूस हो रहा है तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जीरो पॉइंट पे हमारा करंट से वोल्टेज कितना लीडिंग रहता है इंडक्टिव में, इट इज नियर अबाउट 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से 90 डिग्री में क्या हो जाता है हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता अगेन रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो भी प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है अगेन जो भी आर्क वोल्टेज था उसको उस तरह से वहां पे प्रोड्यूस होने का वो ट्राई कर सकता है। तो हमें क्या करना है जो यहाँ पे जो भी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम करना है। तो आफ्टर सम ड्यूरेशन तो इसके लिए हम क्या मीडियम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे कि कूलिंग मीडियम हम यहाँ पे एयर ऑयल और गैसेस ये यूज करके हम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज को कम कर सकते हैं। और आफ्टर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज फिर से हमारे वेवफॉर्म क्या हो जाएगी रेगुलर वोल्टेज की तरह से वहां पे आर वोल्टेज पास होगा तो उसको बोलते हैं हम रिकवरी वोल्टेज। तो ये है आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसमें हम वन बाय वन देखेंगे रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इट इज क्या है इसका मतलब, इट इज द रिजल्टेंट ट्रांजिएंट वोल्टेज विच कैन अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन, मतलब व्हेन द आर्क जब भी आपके आर्क वोल्टेज वहां से प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद तुरंत वहां पे क्या हो जाएगा आपका रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकवरी वोल्टेज, इट इज द पावर फ्रिक्वेंसी और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स आफ्टर ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस ड्यू टू डाई आउट एंड फाइनल एक्सटिंक्शन ऑफ आर्क हैज रिजल्टेंट इन द पोल्स, मतलब आफ्टर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या हो जाता है आपकी वेवफॉर्म क्या हो जाएगा फिर वोल्टेज जो भी है वो नॉर्मल वोल्टेज में आ जाता है तो उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम रिकवरी वोल्टेज। उसके बाद है एम्पलीट्यूड और क्रिस्प फैक्टर, इसके क्या डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज टू द पीक सिस्टम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, मतलब ट्रांजिएंट वोल्टेज वहां पे जो भी होगा और उसके और पीक फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जो भी रहता है उसके बीच जो भी रेशियो रहता है उसको हम एम्पलीट्यूड फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ट्रिपल आर वी, इट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ स्टेपेस्ट टेंजेंट टू द रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कर्व, इट इज एक्सप्रेस इन किलो वोल्ट्स पर माइक्रोसेकंड्स। ओके, और लास्ट है आर्क वोल्टेज, इट इज आर्क वोल्टेज मतलब क्या, जो भी कॉन्टैक्टर्स है आपके सर्किट ब्रेकर के उसके अक्रॉस जितनी भी आपकी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम आर्क वोल्टेज, मतलब जब भी आपका दो कॉन्टैक्टर्स ओपन हो जाते हैं तब जो भी वहां पे आर्क वोल्टेज रहता है तो उस वोल्टेज को बोलते हैं आर्क वोल्टेज। इसकी डेफिनेशन है इट इज द वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स ड्यूरिंग ही आर्क पीरियड्स, आर्क वोल्टेज बिकम सिस्टम when the arc is extinguished. Okay, these are the terminology related to the arc voltage between fuse and isolator. The first point is comparatively working principle. After fuse is a heating effect of I square R, म्हणजे fuse working म्हणजे break कधी होणार आहे ज्यावेळेस त्यात तुम्हाला शॉर्ट सर्किट करंट पास होईल हीटिंग इफेक्टचा प्रेझेंट असेल त्यावेळेस ऑटोमॅटिक फ्यूज तुमचं काय होईल ब्रेक होऊन जाईल। आणि आयसोलेटर कधी आपण ऑपरेट करतो, इट इज ऑपरेटेड ऑन नो लोड कंडिशन, फक्त नो लोड कंडिशन असतात आपण आयसोलेटर ऑपरेट करतो। सेकंड पॉइंट आहे ऑपरेशन्स, तर फ्यूजचं जे ऑपरेशन आहे सगळ्यात सिंपल आहे, नेक्स्ट आयसोलेटरचं जे ऑपरेशन आहे ते सगळ्यात कॉम्प्लेक्स आहे म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड आहे। नेक्स्ट कन्स्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, फ्यूजचं कन्स्ट्रक्शन एकदम सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे, आयसोलेटरचं कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स आहे। नेक्स्ट पॉइंट आहे ऑपरेटिंग टाइम, तर फ्यूजचा ऑपरेटिंग टाइम जो आहे तो व्हेरी स्मॉल आहे, सगळ्यात क्विक ऑपरेट होतो, आणि आयसोलेटरचा जो ऑपरेटिंग टाइम आहे तो लार्ज आहे। नेक्स्ट स्पेस रिक्वायर्ड,
तर फ्यूजची जे आपण कसं इनडोअर अप्लिकेशन साठी आपण फ्यूज यूज करतो बिलो 6 inches केवी, त्यामुळे त्याची साईज जी आहे ती कशी स्मॉल साईज मध्ये आपण त्याला यूज करतो. आणि तेच आयसोलेटर कसं आहे त्याला आपण आउटडोअर सबस्टेशन्स किंवा आउटडोअर ट्रान्समिशन लाईन जी असतील तर आपण त्याला आयसोलेटर्सला यूज करतो. त्यामुळे त्याची साईज जी आहे स्पेस जो लागतो त्याला तो लार्ज आहे. नेक्स्ट आहे रिप्लेसमेंट फ्यूज. हा काय की आफ्टर इच अँड एव्हरी ऑपरेशन तुमचा ज्यावेळेस फ्यूज ऑपरेट झाला म्हणजे काय झालं शॉर्ट सर्किट करंट पास झाला त्याचे जे काही फ्यूज एलिमेंट वायर आहे ते ऑटोमॅटिकली काय होते ब्रेक होते. त्याच्यामुळे प्रत्येक एव्हरी ऑपरेशन नंतर फ्यूजला काय करावं लागतं आपल्याला रिप्लेस करावं लागतं. फ्यूज एलिमेंट वायर जे आहे त्याला रिप्लेस करावं लागतं. बट आयसोलेटर तशी गरज आहे का नाही. आयसोलेटर मध्ये फक्त आपण काय करतो कॉन्टॅक्टर ओपन आणि क्लोज करतो. त्याला प्रत्येक ऑपरेशन नंतर आपल्याला चेंज करायची गरज नाही आहे. नेक्स्ट आहे ब्रेकिंग करंट. तर फ्यूजचा जो ब्रेकिंग करंट आहे तो सगळ्यात स्मॉल आहे. कमी करंटमध्ये ते फ्यूज काय होतो फ्यूज एलिमेंट वायर जे असेल ते ब्रेक होते. बट आयसोलेटर मध्ये काय ब्रेकिंग करंट काय लार्ज आहे. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आहे कॉस्ट. तर फ्यूजची कॉस्ट कशी स्मॉल आहे. आणि कारण की करंट रेटिंगनुसार आपण काय करतो त्याचे ऍप्लिकेशन जे आहे ते इनडोअर सबस्टेशन किंवा रेसिडेन्शियल पर्पजसाठी आपण त्याला यूज करतो. त्याच्यामुळे त्याची कॉस्ट जी आहे ती कमी आहे. आणि आयसोलेटरची कॉस्ट कशी जास्त आहे कारण त्याच्यामध्ये जे करंट रेटिंग आपण रेटेड करंटसाठी जे यूज करतो ते हाय रेटेड करंट असल्यामुळं त्याची कॉस्ट कशी जास्त आहे.